नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। सिर पर जालीदार टोपी, पैरों में तहमंद, बदन पर घुटनों तक का बड़ा कुर्ता, यानी आज के दौर में ये आदमी कम लगते हैं, अखबारों के कार्टून ज्यादा हैं। बड़ी बात यह है कि इन तहमंद बाजों ने मलेशिया, तुर्की, भारत और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा संक्रमण फैलाया है। वैसे यह खुद भी एक वायरस से कम नहीं है। भारत में 5095 संक्रमित मरीजों में इनकी संख्या 2064 से ज्यादा है, जबकि पाकिस्तान में 4064 मरीजों में इनकी तादाद 1817 है। तुर्की में 410 से ज्यादा जमातियों को दबोचा जा चुका है और मलेशिया में यह 712 से ऊपर धरे गए हैं। अभी और कितने टोपीबाज इलम बांटते घूम रहे हैं, इसको लेकर तरह तरह के आंकड़े हैं। मगर बावजूद इसके इन तहमंद छाप पैदाइश पर सबसे ज्यादा एक्शन किसी ने किया है तो वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इस वक्त योगी सबसे बड़े राष्ट्रीय नेता बनकर उभरे हैं। उन्होंने तहमंद जमात में हाहाकार मचा रखा है और ये लोग गिदड़ की तरह छिपते छिपाते फिर रहे हैं। बड़ी बात यह है कि योगी स्पष्ट कहते हैं कि प्रदेश को इस वायरस की चपेट में लाने वाली यही जमात है। यहां 364 से ज्यादा जमाती पकड़े जा चुके हैं, जिनकी खातिरदारी भी बढ़िया तरीके से जारी है। मतलब सूरा का पूरा ज्ञान इन्हें उठक बैठक लगवाकर कराया जा रहा है। खास बात यह है कि योगी के कठोर निर्णय के बाद इन जमातियों या इनके संपर्क में आए लोगों को अब अस्पताल में क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है। सरकार ने अब अपनी रणनीति पूरी तरह बदल दी है। इन तहमंदबाजों को इनके घरों में ही क्वारंटीन कर दिया गया है। प्रदेश सरकार ने 15 जिलों के जिन 122 इलाकों को सील किया है, उसमें 114 इलाके इन्हीं तहमंद छापों के हैं। यानी अब इन्हें इनके घर में समेटकर स्थिति पर काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। पर मामला यहां तक नहीं है। योगी आदित्यनाथ के फैसलों की प्रशंसा केवल हिंदुस्तान तक ही नहीं है, कई देशों के साथ पाकिस्तान का बुद्धिजीवी वर्ग भी जमातियों पर ऐसी कठोर कार्रवाई की मांग उठा रहा है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच जमात पिछले महीने रविंद्र मरकज की सामूहिक सभा को लेकर आलोचना झेल रहा है। 10 मार्च को ही सभा में 2.5 लाख से अधिक तहमंदबाजों ने भाग लिया था। इस सभा में 3000 से ज्यादा ऐसे लोग शामिल थे जो 40 देशों से आए थे, लेकिन उसके बाद वापस नहीं जा सके। पाकिस्तान में 72 लोग 72 उरों की खोज में जा चुके हैं, जिनमें 22 स्पेशल टोपीबाज हैं। 10,263 जमाती क्वारंटीन है। पंजाब के 547 जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अकेले रविंद्र वर्कज में 404 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान की मस्जिदों में पिछवाड़े पटकने वाले संक्रमित जमातियों की तादाद 1817 हो चुकी है। योगी आदित्यनाथ द्वारा जमातियों की बचाने पर पाकिस्तान में खूब चर्चा हो रही है, पर इस बार यह चर्चा पूरी तरह सकारात्मक है। पाकिस्तानी बुद्धिजीवी मानते हैं कि जिस प्रकार योगी ने जमातियों पर कार्रवाई की है, पाकिस्तान की पंजाब सरकार ने उनके आगे घुटने टेक दिए हैं, जिसके बाद पंजाब सिंध को पीछे छोड़ते हुए 2104 संक्रमित मरीजों में प्रथम स्थान पर आ गया है। जमात की कारगुजारी की वजह से पाकिस्तान में संक्रमण बड़े पैमाने पर फैलता जा रहा है और अप्रैल महीने के आखिरी हफ्ते तक पीड़ितों की संख्या 50,000 तक पहुंच सकती है। पर बावजूद इसके पंजाब सरकार जमातियों पर सख्ती करने में हिचक रही है। यह बुद्धिजीवी इमरान सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि इन जमातियों पर एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत कार्रवाई की जाए। यह जमाती मुस्लिमों के नाम पर कलंक है। इन्होंने एक आतंकी की तरह काम किया है, इसलिए इस कानून के तहत गिरफ्तार करके इन्हें तुरंत जेल में डाला जाए। इसके लिए इन्होंने भारत द्वारा जमातियों पर लिए गए एक्शन का हवाला भी दिया है कि किस तरह भारत सरकार और प्रांतीय सरकारों ने जमात के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। खासतौर पर योगी द्वारा तहमंदबाजों की बजाने पर मदरसा पैदाइश उसे पूरी तरह तर्कसंगत मान रही है। बड़ी बात यह है कि सिंध में जमातियों पर कुछ ठोस कार्रवाई की गई है। यहाँ कुछ फंटर जमातियों की बदतमीजियों पर पुलिस ने इन्हें सबक सिखाया है। योगी सरकार इस वक्त पूरे एक्शन में है। उसके निशाने पर यही जमाती और उनके रहनुमा है। यह जहां जहां दड़बों में डूब के बैठे थे, वहां से डंडे मारकर इन्हें निकाला जा रहा है। जो इनके समर्थन में उछलते दिखाई देते हैं, उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। दिन में 5 बार चिल्लाकर कान में दर्द करने वाले भंबू शांत करवा दिए गए हैं। यानी एक्शन तो बढ़िया है, मगर अभी भी इसका दायरा बढ़ाने की आवश्यकता है। इनकी मजहबी प्रवृत्ति और उछल कूद भी प्रशासन के गुस्से का कारण है और इस वक्त तमाम सुरक्षा बल इनका सही से इलाज भी कर रहे हैं। वैसे ये कोशिशें जारी रहनी चाहिए, क्योंकि देश को संक्रमण से बचाना है तो इनका इलाज पहले करना जरूरी है, अन्यथा ये लोग भी दुनिया में किसी कोरोना से
कम नहीं है। आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।